नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ के मुख्य समाचारों पर चर्चा के साथ, और इसी के साथ उनके जो स्थानीय संस्करण हैं उनके समाचारों पर भी एक नज़र हम दौड़ाएंगे। आज के मुख्य समाचारों में सभी अखबारों में लगभग एक जैसा जो समाचार है वो जो खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे जो कानपुर कांड में संलिप्त था, उसका पुलिस मुठभेड़ में जो देहांत, उसकी मौत हुई है, वो समाचार जो प्रमुखता से दिया है, और इस पर कई तरह के इस मुठभेड़ पर सवाल भी उठाए गए हैं। दूसरा समाचार जो है वो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE का जो परीक्षा थी उसके परिणामों को लेकर, और उसमें किसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो हम आपको बाद में विस्तार से जानकारी देंगे। जो तीसरा कॉमन समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में है वो है कोरोना से संबंधित। 24 घंटे में 26,506 मामले आए, और लेकिन इसमें जो एक और मुख्य बात जो आज के अखबारों में है वो है कि मृत्यु दर जो है कोरोना से वो कम हुई है थोड़ी सी। और एक समाचार सौर ऊर्जा से संबंधित है, वो अच्छा समाचार है। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है रावी में, और ये 750 मेगावाट का जो है योजना है, और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये कहना है कि ये 21वीं सदी की ऊर्जा की ज़रूरतों को जो है वो पूरा करेगा। और एक समाचार स्कूल की फीस की माफ़ी से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अभिभावक हैं बच्चों के माता पिता उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की है कि बच्चों की फीस, ये कोरोना के कारण बच्चों की फीस माफ़ की जाए। तो अब हम चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थ प्रकाश। अर्थ प्रकाश में जैसा मैंने बताया दुबे का जो शीर्षक दिया गया है वो है मारा गया विकास दुबे कानपुर वाला, शीर्षक को आकर्षक बनाया गया है। और जैसे मैंने बताया है कि बाकी अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से है, और मुठभेड़ पर जो सवाल उठाए गए हैं, मुठभेड़ को कथित मुठभेड़ लगभग सभी अखबारों ने लिखा है, और हमने इसको पूरा सार जो है एक दूसरी तरह से भी हमने ये दिया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारा, जैसे मैं अंत में बताता हूँ कि एक हमारा पृष्ठ एक पर टेंशन खल्लास के नाम से हमारी एक स्ट्रिप जाती है कार्टून स्ट्रिप की तरह, जिसमें हम एक व्यंग बाण छोड़ते हैं दो पंक्तियों के अंदर। तो आज का जो दुबे को लेकर हमारा आज का जो टेंशन खल्लास का जो टॉपिक है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। उसका इसका जो शीर्षक जैसे बता रहा हूँ मैं कि मुठभेड़ में, कथित मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे, तो इसमें सभी जानते हैं कि पुलिस मुखबिर थी, कई पुलिस के मुलाजिम थे, जो SHO जो थाने का SHO था वो सस्पेंड है, और दूसरे भी कुछ मुलाजिम जो थे वो मिली भगत थी गैंगस्टर के साथ, यानी कि उनको मुखबिर कहते हैं। तो हमने इसको दो पंक्ति में समेटा है, मुखबिर से मुठभेड़ में दुबे मारे आज, बांस रहे न बांसुरी डूबे सारे राज, सारे रहस्य जो हैं डूबे रह गए, यानी कि पुलिस जो है उसके ऊपर जो आक्षेप था, शंकाएं थी, वो अब कहाँ से क्लियर होंगी, क्योंकि जो दुर्दांत जो गैंगस्टर था वो तो मारा ही गया है। तो इसके अलावा 87 यानी कि 87 दिन के बाद चार्जशीट दायर हुई है। पटियाला का एक मामला, बहुत संगीन मामला था, कोई निहंग थे वो पटियाला के निकटवर्ती सनौर मंडी में, वो जो है निहंग घुस गए थे अस्त्र शस्त्रों के साथ, पुलिस ने उनको जब रोका तो उन्होंने, जब वो वापस लौट रहे थे तो एक पुलिस वाले का, उन्होंने पुलिस के अधिकारी की जो है एक हाथ काट दिया था। उस मामले को लेकर अब चार्जशीट दायर हुई है, और जैसे मैंने बताया मृत्यु दर जो कम हुई है कोरोना से, और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट पर लगाया बैन। ये कारण है कि पाकिस्तान के बहुत से पायलटों के बारे में पता चला है कि उन्होंने जाली अपने जो है लाइसेंस बनवा रखे हैं फ्लाई करने के, तो इसको लेकर। और एक समाचार अर्थ प्रकाश में प्रमुखता से जैसे हम बॉटम स्प्रेड में देते हैं, कई बार रोचक होता है, कई बार प्रेरणादायक होता है, वो है टिड्डी दल के हमले को बेअसर नहीं कर पाई सरकार की दवाई। ये दवाई जो है ये क्लोरोपाइरीफोस जो है
ये डालकर कृषि विभाग को कहा गया था कि वो टिड्डी दल को मारने के लिए इसका स्प्रे करे, लेकिन शिकायतें ऐसी मिली हैं कि वो जो नकली था या पानी का ही स्प्रे किया गया। ये अभी जांच बिठाई गई है। तो अगर हम हल्के फुल्के अंदाज में कहें कि टिड्डी दल ने तो खेतों को क्या खाना था कि बहुत से अधिकारी जो हैं वही मिलीभगत करके देश के खजाने को ही लूटने खाने लगे हैं। तो ये थे अर्थ प्रकाश के मुख्य समाचार पृष्ठ एक पर। अब हम चलते हैं अगला समाचार पत्र, अमर उजाला। अमर उजाला ने भी दुबे का समाचार प्रमुखता से दिया है, और उसके अलावा मरीजों का आंकड़ा 8 लाख पार, ये जो कोरोना से संबंधित, और पंजाब सरकार ने स्कूल फीस पर हाईकोर्ट फैसले को दी चुनौती। ये समाचार की हम थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में मुठभेड़ का समाचार प्रमुखता से, पंजाब ने 12वीं की बाकी परीक्षाओं को किया रद्द। तो इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं करवाने की घोषणा जो है वो की थी। जो विजय इंद्र सिंगला हैं, जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, तो उनका कहना है कि कुछ विषयों की परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है, इन विषयों में बढ़िया प्रदर्शन के आधार पर बाकी विषयों के अंक जो हैं वो तय कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व DGP सुमेर सिंह सैनी की इंटरम बेल रद्द, ये केस चल रहा है ऑलरेडी। उस केस में जो है एक इन पे आरोप है कि अपहरण करके एक व्यक्ति का जो है वो उसका मर्डर किया गया था, पुलिस ने किया एनकाउंटर शो किया था, या उसको उसका रहस्यपूर्ण ढंग से उसको गायब कर दिया। इसको लेकर उनका जो सुमेर सैनी का बेल इंटरम बेल जो है वो रद्द हुआ है। और बॉटम स्प्रेड है वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पूरा, यानी कि जो अमेरिका की जो एजेंसी है, एक बोइंग जो विमान बनाती है, वहाँ से हमें जो हेलीकॉप्टरों का अंतिम खेप आनी थी वो आ चुकी है, और हमें जैसा कि पता ही है चीन की सीमा पर उनको तैनात किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं दैनिक ट्रिब्यून की ओर। दैनिक ट्रिब्यून में भी एनकाउंटर की खबर, मुठभेड़ की खबर प्रमुखता से दी गई है, और ICSE की जो परीक्षाएँ हैं उनको लेकर दूसरा समाचार है, और इसके साथ ही एक दिन में 26,000 से ज़्यादा केस, ये कोरोना से संबंधित समाचार इन्होंने दिया है। और इनका जो बॉटम स्प्रेड समाचार है, गेस्ट की तर्ज पर एडजस्ट हो सकते हैं PTI, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक थे हरियाणा में, जो उनकी भर्ती हुई थी पहले, वो विवादों में है, उनको हटाया गया है सरकार की ओर से, और उनका आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं, उसको लेकर कोई ना कोई रास्ता खोजने की तैयारी है। रणजीत सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, और उसमें ऐसा कुछ जैसे पहले गेस्ट टीचर रखे गए थे हुड्डा सरकार के टाइम में, उस तरह से शायद PTI के टीचर द्वारा रख लिए जाएं। और ये जो प्रस्ताव है, ये PTI जो टीचर हैं जो आंदोलनरत हैं उनकी ओर से भी ये प्रस्ताव जो है वो आया है। अब दैनिक भास्कर की बात करते हैं। दैनिक भास्कर में भी विकास दुबे का समाचार प्रमुखता से है, और शिक्षा बोर्ड की जो पंजाब शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो रद्द करने का समाचार सेकंड लीड के रूप में दिया गया है। और इसके अलावा 15 साल से ज़्यादा आयु वर्ग में महिलाओं की आबादी पुरुषों से हुई ज़्यादा, ये सर्वेक्षण है सरकार का, और ये सुखद समाचार कहा जा सकता है। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम या दूसरी ऐसी कई आंदोलन चल रहे हैं देश में, ताकि पुरुषों और महिलाओं का जो बराबर जो समानता उनकी संख्या में हो सके, क्योंकि आम हमारे देश में जैसे देखा गया कि महिलाओं की संख्या जो है वो कम, और उसका कारण यही है कि कोख में लड़की को मारा जाना, इस तरह के हमारे देश में जो बुराइयां थी समाज में वो दूर हो रही हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से 15 साल से ज़्यादा आयु वर्ग में महिलाओं की जो आबादी है उसका प्रतिशत जो है वो महिलाओं पुरुषों से अधिक पाया गया है। अब पंजाब केसरी समाचार पत्र की बात करते हैं। इसमें लीड समाचार के ऊपर इन्होंने एक दिया समाचार, स्कूल फीस मामले में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, सुनवाई से इनकार, इसका जिक्र हम पहले शुरुआत में कर चुके हैं। और 10वीं में 99.33 और 12वीं में 96.84% विद्यार्थी पास हुए, ये जो जैसे मैं बता चुका हूँ, और अखबारों में भी ये समाचार आपको मिल सकता है। त्रिपुरा में IPFT भाजपा से नाराज, खतरे में गठबंधन। वहाँ पे विपल कुमार देव
का जो मुख्यमंत्री है भाजपा के साथ सरकार है भाजपा की, और वहाँ पे एक पार्टी जो है वो स्थानीय पार्टी जो प्रादेशिक वो भाजपा से नाराज दिखाई दे रही है। और अपाचे हेलीकॉप्टर की खबर का जैसे जिक्र किया है वो भी यहाँ पे दी गई है। और अब व्हाट्सएप पर भेजे, व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे अदालतों के समन्वय नोटिस, ये भी यानी कि एक कानूनी हो गया है कि उनको भी माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा अगर व्हाट्सएप से भी संबंध होते हैं। आज समाज की बात करते हैं, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मारा गया, इस समाचार को उन्होंने लीड समाचार दिया है। और 24 घंटे में 26,506 मामले कोरोना से और संक्रमित, और इनका बॉटम पे जो समाचार है 28% प्रवासी मजदूरों को ही राशन मिला, यानी कि सरकार ने कहा था कि 8 करोड़ जरूरतमंदों को जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो लेकिन जो एक एजेंसी है उसने ये पाया है कि 2.24 करोड़ और जून महीने में 2.25 करोड़ को ही सिर्फ ये मिल पाया है राशन। ये द वायर जो है एक एजेंसी जो है समाचार, उसने ये समाचार दिया है। अब हम बात करते हैं इन जो मुख्य समाचार पत्र हैं उनके जो स्थानीय संस्करण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक ट्रिब्यून के स्थानीय पृष्ठों की। अंबाला वायरस से 6 मौत, 27 और मामले सामने आए। लिटिल फ्लावर का नमन 99.2% के साथ टॉपर। तो ये संक्रमण रोकने को सप्ताह अंत में हो सकता है लॉकडाउन, ये समाचार इन्होंने प्रमुखता से दिए हैं। आज समाज का लोकल एडिशन, उसमें एक माह की बच्ची समेत 13 कोरोना पॉजिटिव, चंडीगढ़ के समाचार दिया है। जीरकपुर में कोरोना से 1 मौत, मनी माजरा में आया कोरोना का 1 मामला, कोरोना के समाचारों को काफ़ी प्रमुखता से दिया गया है समाचार पत्र में। रात 10 बजे के बाद जब्त किए जाएंगे वाहन, ये एक प्रशासन ने चेतावनी दी है क्योंकि ढील की वजह से लोग काफ़ी लापरवाह होते जा रहे हैं और रात को वाहनों में घूमते हैं। और चंडीगढ़ भास्कर का लोकल एडिशन जो है उसमें मोहाली पुलिस का चश्मदीद डिसमिस कर्मी गुरमीत सिंह इंस्पेक्टर से कह रहा, तुम सैनिक के खिलाफ गवाही दो तुम्हारे बच्चों को SI भर्ती करवा दूंगा। ये मैंने जैसे बताया है कि ये जो सुमेर सिंह सैनी DGP रहे हैं पंजाब के, उनके खिलाफ एक केस चल रहा है। तो जो सैनी के फेवर के सैनी के पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि सैनी को फंसाने के लिए उन्होंने कोई टेप रिकॉर्ड करके कोई प्रमाण पेश किया है कोर्ट में। दैनिक जागरण का लोकल एडिशन जागरण सिटी, इसमें भी प्रमुखता से समाचार जो है वो परीक्षा में परिणाम जो आए हैं अच्छे बच्चों के जो नाम है वो दिए गए हैं। ट्राई सिटी में मिले कोरोना के 46 नए केस और ये समाचार दिया गया है। और इसके अलावा एक जो कुख्यात अपराधी है गिरफ्तार हुआ है वो उसको उसने ये डर जाहिर किया, भय आशंका जाहिर किया कि उसको मुठभेड़ में मारा जा सकता है। ये बात उसने विकास दुबे का जो मर्डर अभी जो एनकाउंटर में मारा दिखाया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरा भी इस तरह से एनकाउंटर करके मुझे भी मारा जा सकता है। चंडीगढ़ में कोरोना से मृत्यु दर घटी, देश में भी घटी है, चंडीगढ़ का इसमें प्रमुखता से इस बात को उठाया गया है। अमर उजाला का स्थानीय संस्करण माई सिटी, इसमें भी 10वीं में पंचकुला और 12वीं में चंडीगढ़ मोहाली के विद्यार्थी रहे ट्राई सिटी टॉपर, इस समाचार को प्रमुखता से दिया गया है। विकास के एनकाउंटर से डरा गैंगस्टर लॉरेंस, जो मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। डकोली में 52 वर्षीय मरीज की मौत, चंडीगढ़ में 1 माह की बच्ची, PGI कर्मी मिले संक्रमित, इन समाचारों को प्रमुखता से दिया गया है। चंडीगढ़ केसरी जो पंजाब केसरी का स्थानीय संस्करण है, इसमें भी जो मुख्य रूप से समाचार है वो कोरोना से संबंधित दिया गया है। और यही हाल रहा तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा, ये प्रशासक जो हैं चंडीगढ़ के यानी कि पंजाब के गवर्नर भी हैं उन्होंने ये लोगों को चेताया है। वाहनों की खरीद व LTA पर कंप्लीट बैन, नई रिक्रूटमेंट डेफर, यानी चंडीगढ़ प्रशासन ने खर्चे कम करने के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी देश के सभी राज्यों में भी और देश में भी सेंटर में भी जो है खजाने जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, क्योंकि टैक्स जो था या और दूसरी तरह की जो सरकार को आमदन होती है वो कम हो गई थी, इसलिए अब ऐसे पग उठाए जा रहे हैं
ताकि खर्चे कम हो सकें। अब हम बात करते हैं अर्थ प्रकाश का, जो हमारा कहने के लिए लोकल एडिशन है लेकिन है प्रादेशिक की तरह, क्योंकि हर प्रदेश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली, सब जगह ये ट्राइसिटी जाता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से समाचार दिया है, शहरवासियों ने दिशा निर्देश नहीं माने तो लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। ये बदनौर जी जो राज्यपाल प्रशासक चंडीगढ़ के, उन्होंने फिर चेताया है लोगों को, मोहाली में कोरोना से 7वीं मौत, ये समाचार प्रमुखता से दिया है। और ICS परीक्षा परिणाम, नमन भारद्वाज व विहा सिंगला 99.2 अंक लेकर पंचकुला में अव्वल। ये बॉटम स्प्रेड समाचार में पूरी तफसील से दिया गया है कि कौन कौन इसमें अव्वल रहे हैं बच्चे। तो इसके साथ ही, जैसे मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ कि हमारा जो लोकल जो एडिशन है, इसके अंदर जैसे वृक्ष लगाने का एक समाचार है, ये सेक्टर 20 के स्कूल में लगाए गए हैं, और इसी के साथ एक गऊओं को चारा खिलाने की खबर है, भारत विकास परिषद की खबर। ये खबर जो है ये हर जगह जाएगी, कोई दिल्ली में भी बैठा होगा वो भी इस खबर को पढ़ेगा और यहाँ भी पढ़ेगा। इस तरह से हमारे ट्राई सिटी का ये विशेष महत्व है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप सबको गुजारिश करूँगा कि शारीरिक दूरी भले रखिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। हम सामाजिक प्राणी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब अंग्रेजी के कुछ और है, ये विदेशों का शब्द है, हमारे देश का नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, बच्चों का, परिवार का, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। इसी बात के साथ मैं आज के जो समाचारों की समीक्षा, टॉमस फुलर एक दार्शनिक हुए हैं, उनके इस कथन से करता हूँ, कला प्रकृति की सहायता करती है और अनुभव कला की। धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।